हेलो फ्रेंड, इट्स मी निशा प्रधान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल निशा प्रधान। और आज जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ वो है माय ऑल टाइम फेवरेट लोरियल पेरिस की वाइट परफेक्ट डे क्रीम SPF 17 PA++। और मैं पिछले 12-13 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी वाली क्रीम है और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इसी के साथ में जब भी ये यूज़ करती हूँ तो मैं यही इसी की ये फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ। तो आज मैं इसी की आपको रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं तो इसको 10/10 मार्क्स दूँगी, क्योंकि ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और ये बहुत ही अच्छी वाली क्रीम है। ये देखिए, मैं ये तो नई मंगवाई है और एक पड़ी हुई है घर पर। और ये देखिए, मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इसकी प्राइस है 550। अगर लेकिन आप ये जब भी ऑफ़र हो नाइका पे तो आप ये उसी से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब जब ऑफ़र चलती है नाइका पे तो इसकी प्राइस स्लैस होती है और मैं तभी मंगवाती हूँ नाइका से। और इसकी जब मैंने परचेस की थी तो 385 समथिंग का था, और ये भी जब मैंने परचेस की थी तो इसका प्राइस भी वही था। जब भी मैं नाइका में इसकी ऑफ़र देखती हूँ उसी टाइम में इसको परचेस करती हूँ, क्योंकि ये अगर आप एक बार ख़रीद लोगे ये क्रीम तो आपको ये अराउंड 6 मंथ आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 मंथ के बाद ही ख़त्म होती है। ये ख़त्म होने में 6 मंथ लगते हैं। मैं इसको रोज़ यूज़ करती हूँ, जब भी मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ और मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, तो तब भी मुझे ये 6 मंथ से ज़्यादा ही लगती है ये ख़त्म होने में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप अभी तो लॉकडाउन है तो सब लोग घर पे है, तो अभी फ़िलहाल मैं लॉकडाउन की बात कर रही हूँ, जब आप घर में होते हैं और ये क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SPF 17 यहाँ पे इस क्रीम में ऑलरेडी है। तो आप क्योंकि घर में SPF 17 इनफ है घर के लिए, अगर आप बाहर जाते हो तभी आप SPF 50 या 30 से अबव लगवा सकते हैं। और इस जब आप ये लगाएंगे तो इस बाहर जाते वक्त SPF 30 इनफ है, 30 या 26, क्योंकि यहाँ पे SPF 17 ऑलरेडी है, तो घर के लिए तो इनफ है, इसमें सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर जाते वक्त ही आप दूसरी सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में आप ये लगवाते समय सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करें तो अच्छा है। और इसकी फेस वॉश भी मुझे बहुत मिल्की फॉर्म वाइट परफेक्ट मिल्की फॉर्म प्यूरिफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश। और इसकी प्राइस है अराउंड 349, और मैंने ये नाइका से 200 समथिंग में परचेस किया था। तो आप नाइका की वेबसाइट से आप इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी ऑफ़र आती रहती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये डे क्रीम है तो दिन में एक बार ही लगाइए, इसकी नाइट क्रीम भी मिलती है अलग से, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने 2-3 साल से नाइट क्रीम को लगाना छोड़ दिया है, खाली डे में ही ये लगाती हूँ और इसी से फेस वॉश करती हूँ, बट नाइट वाली क्रीम मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे अच्छी तो ऑरेंज जेल या एलोवेरा जेल ही ठीक लगती है। पहले लगाती थी 8-9 साल तो मैंने वो भी लगाई थी, लेकिन आजकल नहीं लगाती हूँ, तो मुझे ऑरेंज जेल या फिर एलोवेरा जेल ही पसंद है नाइट के लिए, तो डे में मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए, और जब भी परचेस करना हो तो आप ये नाइका से परचेस कीजिए या किसी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको ये मॉल में भी मिल जाएगी, किसी भी दुकान में कॉस्मेटिक की दुकान में मिल जाएगी, लेकिन नाइका में ही ऑफ़र मिलती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि आप ये नाइका से ही परचेस करें, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं।
मैंने किया था, मेरे एक्सपीरियंस बताया हूँ। मैं जब भी करती हूँ तो नायका से ही परचेस करती हूँ। पहले पहले मैं शॉप से ही परचेस करती थी, तो मुझे MRP में जितना प्राइस है उसी प्राइस से मिलता था। तो जब से मैंने नायका में इस प्रोडक्ट को देखा है, तब से मैं ये नायका से ही परचेस करती हूँ। पाँच छः बोतल से भी ज़्यादा हो गया होगा मैंने नायका से परचेस किया हुआ। उससे पहले मैं शॉप से ही परचेस करती थी। तो आप ये ज़रूर 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 ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छी वाली क्रीम है। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं है कि ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। मेलानिन वैनिश प्लस, ये पता नहीं कौन सी वाइटनिंग, नहीं वो दूसरे लैंग्वेज में वाइटनिंग प्लस वाइट लोरियल पेरिस वाइट परफेक्ट डे क्रीम SPF 17 PA++ वाइटनिंग प्लस इवन टोन। आपको इससे वाइटनिंग तो होती है, इवन टोन स्किन को इवन टोन भी करती है वाइटनिंग और इवन टोन। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। तो आपको अगर ये वीडियो और ये फेस वॉश भी, आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ इसीलिए बता रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी यही क्रीम खरीद ले, मैं जस्ट आपको रिकमेंड कर रही हूँ या बता रही हूँ कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वही शेयर कर रही हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं कि यही क्रीम आप भी खरीदे, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसको 12-13 साल से यूज़ कर रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ। और इसकी रिजल्ट मुझे पता है कैसी है और ये कैसे वर्क करती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।